गाइस जीव एक्चुअली ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं इस ट्यूटोरियल्स में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि एडोबी एक्सडी ने एक बिग अपडेट किया है अपने एप्लीकेशन टूल्स में, तो वो आप जरूर अपडेट करेंगे। और क्या क्या अपडेट किया है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसके माध्यम से आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऐसे विंडोज 10 का सारे के सारे वीडियो जो एडोबी एक्सडी का ट्यूटोरियल था वो मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन फीचर न्यू आए हैं इसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और वहां से आप हमारे सिक्वेंशियल वीडियोज को देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज को सिक्वेंस, तो ये सारे मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। और दोस्तों आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी पसंद आएगा, और पसंद आया होगा जो पिछले वीडियोज मैंने अपडेट किया था। तो दोस्तों मैं ये विंडोज एडोबी एक्सडी अपडेट के बारे में बता रहा हूँ कि विंडोज और मैक के लिए भी इस बार कुछ अपडेट आया है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे जो है मिलेंगे ट्यूटोरियल्स। तो इसमें आपको अपडेट में मैं बता देता हूँ कि क्या अपडेट आया है। सिंबल ओवरराइड फीचर अपडेट आया है, अपडेट ऑल सिंबल, सिंबल ऑन विंडोज 10, और ड्रैग ड्रॉप लेयर्स आप कर सकते हैं। अब विंडोज में अगर एडोबी एक्सडी यूज करते होंगे तो आप सिंबल को, लेयर को अरेंजिंग कर सकते हैं टॉप और बॉटम से, और उसके स्क्रीन का जो आर्टबोर्ड है उसको भी आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट फीचर एडोबी एक्सडी में नहीं था, जो कि बहुत ही जरूरी था डिजाइनर के लिए, और इसको बहुत दिनों से डिजाइनर्स का एक्सपेक्ट था कि यह फीचर आने वाला है। और उसके बाद स्टाइल टेक्स्ट टूल, आप टेक्स्ट का स्टाइल भी बना सकते हैं और किसी दूसरे टेक्स्ट स्टाइल में यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट है, जो कि आप विंडोज में बनाए हुए डिजाइन को कहीं भी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, स्केच में आप पेस्ट कर सकते हैं उसके क्लिपबोर्ड को। तो ये है आपका जो अपडेट है, सॉरी 7 पॉइंट अपडेट है जो देख रहे हैं सिंबल। तो ये चीज आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या अपडेट है और क्या क्या फीचर्स है, तो आप ये ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से अपडेट है। तो जून में ये 13 जून को ही अपडेट हुआ था, बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया है ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि एडोबी एक्सडी, स्केच और बहुत सारे टूल्स में जो जो भी नए फीचर्स आएंगे उसके भी मैं बीच बीच में अपडेट दूंगा। ऐसे तो हमारा सिक्वेंस का जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं मैंने एडोबी एक्सडी और स्केच का पेस्ट कर दिया हूं, और उसके लिए अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस हर वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं कि उस वीडियो तक कैसे पहुंच सकते हैं, प्लेलिस्ट में कैटेगराइज वीडियो को देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टैप करके शो मोर बटन को जरूर देखेंगे, उससे आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये मैं बताता हूँ कि ये जो वीडियोज जो बना रहा हूँ इसमें आपको न्यू मैक और विंडोज दोनों के लिए एडोबी एक्सडी अपडेट हुआ है। तो एडोबी एक्सडी में ये जो ओवरराइड फीचर्स है, जैसे कि आप कोई भी सिंबल यूज करते थे, जैसे कोई बटन क्रिएट किए और सिंबल क्रिएट कर दिए और उसका नाम कहीं पे सबमिट रखना है, कहीं पे कैंसिल रखना है, तो स्टाइल आपका सेम रहेगा लेकिन आप बटन्स को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब कि नेमिंग चेंज कर सकते हैं। ये फीचर्स इसमें बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कि आप स्केच में देख रहे होंगे। उसके बाद न्यू ऑन विंडोज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विंडोज में इंक्लूडिंग ओवरराइड एंड अपडेट ऑल फीचर आया है, जिसमें कि आप एक जगह अगर कोई भी सिंबल को अपडेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको होम का आइकन है उसको अगर सर्च का आइकन से रिप्लेस कर दिए, तो जहाँ जहाँ भी आप ये सिंबल होम का आइकन था वहाँ पे सर्च का रिप्लेस हो जाएगा रियल टाइम में पूरे स्क्रीन में। अगर 100 आर्टबोर्ड्स पे आपको अप्लाई करना है तो आपको टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम है वो आप सेव कर सकते हैं, और सिंबल को ओपन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल वाई जो कि देख रहे हैं और प्लस जो आइकन देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो पैनल्स हैं वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल के क्लिक करके आप सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको सिंबल को, जो बटन को सिंबल क्रिएट करना है या जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है उसको कंट्रोल प्लस क्लिक आपको करना है, और उसके बाद ये
आप क्रिएट कर सकते हैं सिंबल को, जो कि आप पैनल में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जितने भी पैनल्स हैं वो आपका सिंबल बना हुआ, और ये सिंबल को ड्रैग ड्रॉप करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इलस्ट्रेटर में यूज करते होंगे या स्केच में, सेम फीचर यहाँ पे हैं। और उसके नेक्स्ट पॉइंट लीनियर ग्रेडियंट है, जो कि आप देख रहे हैं नीचे ग्रेडियंट का, और ये ग्रेडियंट फीचर बहुत ही ज़रूरी था विंडोज में, क्योंकि ये फीचर नहीं था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीडियोज के थ्रू ग्रेडियंट आप बटन पे अप्लाई नियर बाय पे हम कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्रेडियंट में जहाँ पे जो ग्रेडियंट का कलर बॉक्स को ओपन हुआ है वहाँ पे ग्रेडियंट जहाँ पे नोट है वहाँ पे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करके कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इमेज बनाने के लिए ग्रेडियंट टू कलर कॉम्बिनेशन देख ओपन करके ये कर सकते हैं, जो कि आप राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ये एनिमेशन से दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, और इसके बिना डिजाइन अगर कहा जाए तो इनकम्प्लीट रहता था, तो ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर्स में ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि पहले एडोबी एक्स में आप लेयर का ड्रैग नहीं कर पाते थे, लेकिन आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे लेयर अप डाउन कर सकते हैं, आपका डिजाइन सेम ही होगा, डिजाइन में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लेयर में और आर्टबोर्ड दोनों को रीअरेंज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बेटर फीचर है। और इस लेयर में लेयर का जो और सिंबल का जो फीचर्स है विंडोज में न्यू फीचर है, और यहाँ पे आप लेयर को शो हाइड और लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। ये सारे अपडेट हुए हैं, तो आप अपडेट करके ट्राई करेंगे। मैं आपको इस तरह का एक और वीडियोज बनाऊंगा जिसमें आपको सिंबल और लेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वीक में आप वेट करेंगे, और नेक्स्ट वीक में आपको प्रोवाइड करूंगा इसके वीडियोज। तो दोस्तों इस वीक में और भी मैं वीडियोज अपडेट करूंगा एडोबी एक्सडी से, लेकिन इसके पहले स्केच का कुछ पेंडिंग में है, तो स्केच का सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मैं वहां पे पुट कर रहा हूं इस वीक में, तो आप वो देख लेंगे। दोनों का प्रोसेस जो है वर्क करने का वो सेम है। और उसके बाद टेक्स्ट रेंज स्टाइलिंग है, यहाँ पे सपोज दैट आप रिपीट ग्रिड जैसा कि मैंने बताया था कि यूज करने से आप लिस्ट डायरेक्ट बना सकते हैं और उसमें फोटोज एडिट कर सकते हैं। नेमिंग, अगर लिस्ट में एक अवतार इमेजेज है, एक टाइटल है, सब टाइटल है और कुछ भी लोकेशन से आइकन्स है, तो आप रिपीट ग्रिड के थ्रू चेंज कर सकते हैं, और उसके बीच में कलर भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉपी बिटमैप टू क्लिपबोर्ड है, और यहाँ पे आप एडोबी एक्सडी से कॉपी करके आप कहीं भी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या स्केच में आप पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिग अपडेट एडोबी एक्सडी का। तो यदि आप अपडेट नहीं किए होंगे तो ये आप अपडेट कर लेंगे, और इसके लिए मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे ग्रेडियंट यूज करते हैं, कैसे लेयर सिंबल यूज करते हैं, और कैसे ओवरराइट सिंबल यूज किया जाता है। तो ये था एडोबी एक्सडी का बिग अपडेट। तो दोस्तों हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। और जो नए यूजर हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे तो आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, तो आपको हमेशा वीडियोज का अपडेट मिलते रहेगा मेल के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आप हमारे वीडियोज के लास्ट में अगर आपको वीडियोज पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर आप वोट कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपको सपोर्ट देता रहूँगा। और बीच बीच में जैसा है कि मैं आपको कॉल हैंडलिंग भी करता हूँ, तो उस तरह से जॉब से रिफरेंस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इसके कमेंट बॉक्स में, वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे, और जिस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी कमेंट है तो आप उसी बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं आपको क्विकली रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों
हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हैं। उससे आप जैसे ही सोशल मीडिया का ये अपडेट आएगा, मैक्सिमम यूजर्स आएंगे तो मैं आपको लाइव चैट देने जा रहा हूँ, और उसमें आपको फ्री आप स्केच, एडोबी एक्सडी, यूएक्स प्रोसेस, वायर फ्रेमिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।